नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज समाज में हिंदू मुस्लिम की जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जो सबका नजरिया बदल सकती है। अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र के पूरे अल्लादीन गांव में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी के निकाह के लिए ऐसा कदम उठाया जो न केवल इस गांव बल्कि पूरे जिले और राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। इस परिवार ने अपनी बेटी के निकाह के निमंत्रण के लिए हिंदू रीति रिवाज के कार्ड छपवाए हैं, जिसमें गणेश जी की तस्वीरें और हिंदू धार्मिक प्रतीकों का चित्रण किया गया है। ये शादी का कार्ड अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रहा है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। साइमा और इरफान का निकाह होने जा रहा है और उनको आशीर्वाद देने खुद गणेश जी भी आएंगे। थोड़ा हैरान कर देने वाला है ना, मगर ये सच है, क्योंकि जिस प्रेम से एक मुस्लिम परिवार ने ये काम किया उसके बाद इस बात में कोई शक नहीं। मुस्लिम परिवार की बेटी के निकाह में ऐसा कार्ड छपा है जो सबसे अलग है। इस निकाह के कार्ड में भगवान गणेश और श्री कृष्ण की तस्वीरें भी छपी हैं, जो आम तौर पर हिंदू रीति रिवाजों में उपयोग की जाती है। कार्ड का डिजाइन भी पूरी तरीके से हिंदू धार्मिक परंपराओं को दर्शाने वाला है। हालांकि कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन के नाम मुस्लिम है, लेकिन कार्ड के डिजाइन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ये कार्ड न केवल दूल्हा दुल्हन के नाम और तारीख को दर्शाता है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस निकाह के कार्ड को लेकर जब इस परिवार के सदस्य शब्बीर उर्फ टाइगर से संपर्क किया गया तो उन्होंने ये कार्ड खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों को निमंत्रण देने के लिए तैयार करवाया है। उनका उद्देश्य ये था कि वो अपनी बेटी के निकाह के अवसर पर एकता और भाईचारे का संदेश दें। शब्बीर ने कहा कि हमने हिंदू भाइयों को शादी में बुलाने के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्ड छपवाए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम भाईचारे को बढ़ावा दें और ये दिखाएं कि हमारे बीच कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। आपके यहाँ का एक शादी का कार्ड जो है वायरल है। हाँ जी। तो क्या है, आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हमने कार्ड शादी के लड़की की शादी के कार्ड छपवाया था। एक अपना छपवाया था अपने मजहब से, एक हिंदू की मजहब से। हिंदू का हिंदू के मजहब में दे रहा हूँ, अपने अपने वालों को दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई वैसा बेबुगार नहीं है कि कोई वैसा हो। हम लोग एकता से रहते हैं यहाँ सब। हम हिंदू का हिंदू को दे देंगे, मुसलमान को मुसलमान को दे देंगे। आपको कहाँ से ये सोच जागी किस इस प्रकार के जो है कि... इसलिए कि जैसे अब हमारे लोगों के उर्दू का पन्ना देखा हूँ मैंने, कहीं भी पाऊंगा तो उसको मैं उठा के अलग धरूंगा कि पैर की तरह ना पड़े। इसलिए मैं हिंदू वाला कार्ड जो सोचा हूँ कि जैसे कोई मैं बनवाऊंगा तो उसके पास चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा, वो अपना संभाल के रखेगा, हमारे से कोई मतलब नहीं। वो हम अपना कार्ड देता हूँ तो वो कहीं भी बहाएगा मुझे दुख होगा, और वो अपना कार्ड अपने हिसाब से संभाल के रखेगा। हमारा यही सोच था। ऐसे भगवान उसका है, मेरा अल्लाह है, बाकी है एक ही, मानने का खाली ढंग अलग है। बोला वही मैं उस प्रकार से मैं अलग अलग दे रहा हूँ, अपने अपने का उसके उसके। शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां कुछ लोग इस कदम को एकता और सौहार्द का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे विवाद से जुड़ता हुआ भी देख रहे हैं। लेकिन ये कार्ड वायरल होने का संकेत एक ही है कि समाज में बदलाव की थोड़ी बहुत लहर तो कहीं ना कहीं जरूर चल रही है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई इस तरीके का कदम निश्चित ही समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दे सकता है और एक मिसाल भी बन सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे गलत तरीके से भी देख रहे हैं या फिर उनका नजरिया ही थोड़ा अलग है। लेकिन जहां तक एक तरफ समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव की समस्याएं देखी जा रही है, इस परिवार का कदम ये दर्शाता है कि अगर इरादा सही हो तो हम एकता और भाईचारे का संदेश जरूर दे सकते हैं। हालांकि 10 लोग और 10 अलग विचार रखते हैं, इसीलिए कहना मुश्किल होगा कि सभी लोगों को ये कार्ड पसंद आया होगा या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।